मेरे प्यारे संगीत एवं ध्यान प्रेमियों एवं संगीत शिष्यों, आप सबों को स्वामी शांति देव का हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक राग ट्यूटोरियल, जिसे मैं स्वर के साथ आपको हारमोनियम पर गाना और बजाना सिखाऊंगा। राग है केदार और इसका थाट है कल्याण, जाति है औडम शाडम, इसका वादी स्वर म एवं संवादी स्वर सा है और गायन समय इसका रात्रि का प्रथम प्रहर है। तो आइए देखते हैं, थोड़ी सी झलक आपको हम देते हैं इसका राग केदार। सोच समझे मन मीत पियर वा, सोच समझे मन मीत पियर वा, सद गुरु नाम इसका आरोह अवरोह आलाप पकर अस्थाई अंतरा एवं तान सब इसी वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। आप पूरी वीडियो देखें और सीखें। यह ट्यूटोरियल राग केदार, आइए सीखते हैं। मित्रों, आइए अब हम राग केदार आरोह अवरोह पकर आलाप अस्थाई अंतरा एवं तान स्वर लिपि के साथ हारमोनियम पर सीखते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि यह कल्याण थाट का राग है, जाति औडव शाडव है, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, वादी स्वर म एवं संवादी स्वर सा है। सबसे पहले आइए हम आरोह कैसे लगेगा, किन किन स्वरों के द्वारा हम आरोह करते हैं और कैसे हम अवरोह करते हैं। अब आरोह दो प्रकार से यहां की जाती है, मैं दोनों प्रकार बताऊंगा। जैसे एक प्रकार हुआ, दूसरा प्रकार देखिए आरोह का, सा म प ध प नि ध सा। अब अवरोह देखें कि अवरोह कैसे होता है। सा नि ध प मा पा धा पा मा रे
सा। इसके बाद पकर, पकर किस तरह से है सो देखें। सा म ग प म प ध प म रे सा रे सा। अब आइए आलाप देखते हैं, आलाप किस तरह है। पहले आलाप के स्वर देख लें कि ये स्वर किस तरह से लग रहे हैं। सा ग म प प म ध प सा सा ध प म म रे सा। इस पर हम आलाप करेंगे इन्हीं स्वरों पर, वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपने देख लिया। अब आइए इस राग की अस्थाई सीखते हैं, किस तरह से किन किन स्वरों को किस तरह से लगाया जा रहा है और किस तरह से गाया जा रहा है। ये ताल तीन ताल 16 मात्रा है। सबसे पहले मैं बंदिश की लाइन गाकर आपको सुनाता हूं। सोच समझे मन मीत पियरवा, ये फर्स्ट लाइन है बंदिश की। अब इस पर स्वर कैसे लग रहे हैं वो देखें। सा रे सा प प म प ध सा ध प म प म। एक बार फिर देख लें। सा रे सा प प म प ध सा ध प म प म। इसी पर हम शब्दों को पिरोते हैं। सोच समझे मन मीत पियरवा, ये आपने देख लिया। अब सद्गुरु नाम करे सुमिरन मां, अब इसको कैसे हम गाएंगे वो देखिए। सद्गुरु नाम करे सुमिरनवा। अब इसमें देखिए सद्गुरु सद्गुरु म प सद्गुरु, या इसको आप मामा करके भी बजा सकते हैं खंड करके, चूंकि दो मात्रा में म और प दोनों दो दो मात्रा में है, तो म प ऐसा या म म प ऐसा सद्गुरु। अब ये है नाम करे सुमिरन मां, ये कैसे है देखिए। ना ना यानी धानी सा, ये दो मात्रा में तीन स्वर हैं तो उसको इस तरह से बजाएंगे। धानी सा धा प धानी सा धा प नाम क, तो ये अगर आठ मात्रा का ख्याल करेंगे तो देख लीजिए। सद्गुरु नाम क नाम क रे सुमिरन मा म धा प म रे सा रे सुमिरन मा
मा धा पा मा रे सा। अब ये पूरी लाइन को एक साथ कैसे गाएंगे देखिए। स दे गुरु नाम करे सुमिरन मा सुमिरन वा। तो ये अस्थाई इस तरह से पूरा हो गया। एक बार फिर देख लें। सोच समझे मन मीत पियर बा सारे सा पा पा मा पा धा सा धा पा मा पा मा सद गुरु नाम करे सुमिरन मा धनी सा धा पा मा धा पा मा रे सा। क्लियर हो गया। अब आइए हम अंतरा सीखते हैं। अंतरा है घड़ी घड़ी पल पल उम्र घटत है। अब ये घड़ी घड़ी पल पल किस तरह से है सुनो। घड़ी घड़ी यानी पासा या पापा सा सा ऐसा भी लगा सकते हैं आप। घड़ी घड़ी पल 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 सारी सा। तो ये हो गया घड़ी 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 पल पल पा पा सा सा सारी सा। ये हो गया उम्र घटत है। अब ये पूरी लाइन एक साथ देखें। घड़ी घड़ी पल पल उमर घटत है धनी पा है। और फिर दूसरी लाइन अजहू चेत कर मूढ़ चतुर्वा। अजहू चेत कर मूढ़ चतुर्वा यानी अब भी चेत जाओ, तुम तो चतुर हो लेकिन मूढ़ता कर रहे हो, इसलिए मूढ़ चतुर्वा कहा गया है इसमें। तो चतुर हो के मूढ़पन कर रहे हो, मूर्खता कर रहे हो, तो चेत जाओ अजहू यानी अब भी चेत जाओ। तो आइए ये कैसे होगा ये देखते हैं। अजहू चेत कर। अब ये आठ मात्रा को देखें आप। मा मा पा सा रे सा धा पा अजहू चे चेत कर। इसको फिर से देखें। अजहू चेत कर मा मा पा सा रे सा धा पा मूढ़ चतुर्वा। मूढ़ चतुर्वा मा धा पा मा रे सा ये आपने देख लिया। मूढ़ चतुर्वा। अब ये पूरी लाइन एक साथ देखें कि कैसे बजाया जाएगा और कैसे गाया जाएगा। अजहू चेत कर मूढ़ चतुर्वा। तो मैं समझता हूं ये अंतरा भी आप समझ गए होंगे और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से इसे बजा पाएंगे। अब आइए हम तान सीखते हैं। तान हम 16 मात्रा में 8 मात्रा तो बंदिश के शब्दों को कहते हैं और फिर 8 मात्रा में हम तान यानी स्वर को बोलते हैं। तो वो कैसे बोलते हैं और कैसे हम इसे करते हैं तान, आइए सीखते हैं।
सोच समझे मन। बस यहीं तक कहना है, ये आठ मात्रा में हो जाता है, सोच समझ मन। और इसके बाद फिर तान कहने हैं। वो तान कैसे कहेंगे देखिए, इसमें सासा मग पम धप और सासा धप मम रेसा, इस तरह से सा सा मा गा पा मा धा पा सा सा धा पा मा मा रे सा, ये है तान। तो इसको एक साथ जब हम कहते हैं तो इस तरह से कहते हैं, सोच समझे मैंने। इसके बाद इसे फिर से देख लें, सोच समझे मन सा सा मा ग प म धा प सा सा धा प म म रे सा सा मा ग प म धा प सा सा धा प म म रे सा, सोच समझे मन। अब इस पर आलाप कैसे करेंगे सो देखिए, हो गया फर्स्ट तान कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा तान देखिए कैसे, सोच समझे मन। अब इसके स्वर हैं माप धानी सानी धप सासा धप मम रेसा, माप धानी सानी धप सासा धप मम रेसा। आपने देख लिया ये स्वर लगते हैं। अब इसको जब हम गाते हैं तो किस तरह से गाते हैं वो देख, सोच समझे मन मा पा धा नी सा नी धा पा सा सा धा पा मा मा रे सा। अब इसको आलाप हम कैसे करेंगे, सोच समझे मन आ। अब तीसरा तान देखिए वो हम कैसे करते हैं, सोच समझे मन सारे निशा पाधा मापा सारे निशा पाधा मापा सा सा धा पा मा मा रे सा। समझ गए होंगे, एक बार फिर देखिए, सोच समझे मन सारे निशा पाधा मापा सा सा धा पा मा मा रे सा, सोच समझे मन आ आ, सोच समझे मन मीत पियर स्थाई हो गया। और इसको हम जब हम राग को समाप्त करते हैं तो तिहाई लेकर खत्म करते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे सो देखिए, सोच समझे मन सोच समझे मन सोच समझे मन मीत पियर वा। इस तरह यह राग केदार ट्यूटोरियल पूरा हुआ। अब हम फिर आपकी सेवा में कोई राग लेकर हाजिर हो रहे हैं और हमें आशा है कि आप हमारे इस राग का जो ट्यूटोरियल क्लास हम दे रहे हैं इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं। और यदि आप अच्छी तरह सीख रहे हैं
और कहीं कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और फिर मैं उसका समाधान आपको दूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।